सामने आया राखी मुखर्जी की नई फिल्म का मोशन पोस्टर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए ये खबर जानते हैं विस्तार से। बॉलीवुड की बेहतरीन और सुपरहिट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी कुछ वक्त से सिनेमा से दूर हुई थी। वह जल्द ही मूवी मिसेज चैटर्जी वर्सेस नार्वे में दिखाई देने वाले हैं। हाल ही में मूवी का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया। 23 फरवरी को रिलीज होगा ट्रेलर। दरअसल मिसेज चैटर्जी वर्सेस नार्वे को लेकर फिल्म क्रिटिक्स ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने मिसेज चैटर्जी वर्सेस नार्वे का मोशन पोस्टर भी शेयर किया है। इस पोस्टर में रानी मुखर्जी एक बच्चे को गोद में लिए हुए दिखाई दी और दूसरा बच्चा उनके बराबर में खड़ा है। सोशल मीडिया पर रानी मुखर्जी का यह लुक वायरल होने लगा है। इस मोशन पोस्टर को साझा करते हुए मूवी के ट्रेलर रिलीज डेट को लेकर भी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि फिल्म का ट्रेलर 23 फरवरी को रिलीज किया जाने वाला है। पोस्टर देख फैंस हुए एक्साइटेड। खबरों का कहना है कि फिल्म का निर्देशन आशिमा छिब्बर ने किया है। मूवी में रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। यह मूवी सिनेमाघरों में 17 मार्च को रिलीज होने की उम्मीद है। रानी मुखर्जी काफी वक्त से बड़े पर्दे से दूरी बनाए हुए हैं। इस मोशन पोस्टर रिलीज के उपरांत अभिनेत्री के फैंस बेहद एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। कुछ यूजर्स का इस बारे में कहा है कि पोस्टर काफी अच्छा है। एक यूजर ने कमेंट किया है, लव द पोस्टर, कांट वेट फॉर ट्रेलर। दूसरे यूजर ने लिखा, वेटिंग। फैंस को रानी की वापसी का बेसब्री से इंतजार है और यह यूजर के कमेंट में साफ देखने के लिए मिल रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बेटी मालती को लाड लगाती नजर आई प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने भारत में तो अपने काम से नाम कमाया ही है, साथ ही एक्ट्रेस का इंटरनेशनल स्टेज पर भी बहुत बड़ा नाम है। एक्ट्रेस ने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई मकाम हासिल किए हैं। एक शानदार अभिनेत्री से लेकर एक निर्माता, फैशन आइकन से लेकर एक वैश्विक स्टार तक, हर रोल एक साथ वह लाखों दिलों पर राज करती है। प्रियंका चोपड़ा सबसे पसंदीदा पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। प्रेजेंट में सरोगेसी के माध्यम से पति निक जोनास के साथ अपनी बच्ची मालती मेरी चोपड़ा जोनास का स्वागत करने के बाद प्रियंका अपने जीवन के सबसे अच्छे चरण का आनंद ले रही है। आपको बता दें कि प्रियंका चोपड़ा अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी बेटी मालती के साथ झलकियां साझा करती रहती है। ऐसा ही हाल ही में भी हुआ जब प्रियंका चोपड़ा ने अपनी बेबी गर्ल के साथ एक तस्वीर शेयर की। एक्ट्रेस ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, डेज लाइक दिस। हम देख सकते हैं कि प्रियंका चोपड़ा हमेशा की तरह एक सफेद टी शर्ट, डेनिम पैंट, एक भूरे रंग की फॉक्स लेदर जैकेट में बेहद हॉट लग रही थी। साथ ही उन्होंने मालती को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। मालती का लुक भी बेबी पिंक को और टिन सेट सफेद हेड बो के साथ बेहद क्यूट नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर में प्रियंका को सोते समय मालती के साथ देखा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ। यौन शोषण के चलते खुद को असेक्सुअल समझने लगी थी पेरिस हिल्टन, बोली, पति कार्टर ने बदली जिंदगी। अभिनेत्री पेरिस हिल्टन की दुनिया दीवानी है। वह सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ एक सफल बिजनेस वुमन भी है, मगर इस मुकाम तक पहुंचने में हिल्टन कई बुरे अनुभवों से गुजरी है। हाल ही में पेरिस ने अपनी जिंदगी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। एक्ट्रेस ने कहना है कि अपने पति कार्टर रेयुंग से मुलाकात से पहले उन्होंने खुद अपनी असेक्सुअलिटी पर सवाल उठाया था, जिसकी वजह एक्ट्रेस ने अपने साथ होने वाले यौन शोषण को बताया। एक मीडिया इंटरव्यू में हिल्टन ने अपनी सेक्सुअलिटी पर बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब वह 20 वर्ष की थी तो खुद को अलैंगिक समझती थी। वह जिस तरह की दर्दनाक यौन अनुभवों से गुजरी उसकी वजह से उनके मन में ऐसे विचार आए। पेरिस हिल्टन ने कहा, मुझे एक सेक्स सिंबल के रूप में जाना जाता था, लेकिन सेक्सुअलिटी मुझे डरती थी। पेरिस हिल्टन ने कहा कि उनके इस डर की वजह से उनके तमाम रिलेशनशिप सफल नहीं हो सके। वहीं उनके पिछले रिलेशन के दौरान मिले सेक्सुअल एक्सपीरियंस के ने उनके इस डर में और ज्यादा इजाफा दिया। बता दें कि इससे पहले पेरिस हिल्टन ने वर्ष 2020 में आई अपनी डॉक्यूमेंट्री दिस इज पेरिस में भी अपने साथ बचपन में हुए दुर्व्यवहार पर खुलकर बात की थी। हिल्टन ने यह दावा किया था कि उनके साथ यह बुरा अनुभव उन बोर्डिंग स्कूलों में हुआ था जहां किशोरों को सुधारने का दावा किया जाता है। पेरिस हिल्टन ने अपनी आगामी किताब
पेरिस द मेमोयर में भी अपने साथ हुए यौन शोषण का जिक्र किया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।